नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा भाजपा पर लगाए गए हार्श ट्रेडिंग के आरोपों पर मध्य प्रदेश में करीब 18 घंटे से सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। मंगलवार सुबह दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कांग्रेस विधायकों को दिल्ली लाने की बात कही थी। इसके बाद जब शाम को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह दिल्ली के लिए निकले तो सियासी पारा और भी गर्मा गया। कांग्रेस ने देर रात दावा किया, भाजपा ने कांग्रेस के 6, बसपा के 2, एक निलंबित विधायक और एक निर्दलीय विधायक को गुड़गांव में ICT मराठा होटल में बंधक बनाया है। इसके बाद रात में ही भोपाल से मंत्री जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह को दिल्ली भेजा गया। बुधवार को कांग्रेस नेताओं ने 6 विधायकों के लौटाने का दावा किया। भाजपा ने कहा कि कमलनाथ सरकार संकट में है और अभी 15 और विधायक उनसे संपर्क में है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 विधायक गुड़गांव के बेंगलुरु शिफ्ट किए जा चुके हैं। आइए अब जानते हैं इस मामले से जुड़े हुए ताजा अपडेट। तो जीतू पटवारी ने बातचीत करते हुए बताया कि हम रात को होटल पहुंचते तब तक कुछ विधायक किसी अज्ञात स्थान पर शिफ्ट किए जा चुके थे। सिर्फ रामबाई होटल के बाहर मिली रात करीब 2 बजे कुछ विधायक होटल से अपना सामान लेकर के बाहर निकलते देखे गए। वहीं जयवर्धन सिंह ने कहा कि हमने कांग्रेस के सभी 6 विधायकों से बात की है, वो लौटने को तैयार है। भाजपा रामबाई को गुमराह करके लाई थी। वहीं बसपा के 2 विधायकों से हमारी मुलाकात हो गई है, वे हमारे साथ हैं। हालांकि निर्दलीय और कांग्रेसी विधायकों के फोन बंद पाए जा रहे हैं, रामबाई को छोड़कर कोई भी सामने नहीं आया है। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस विधायकों से चर्चा की और पूछा कहीं उन्हें भी तो खरीदने की कोशिश नहीं की। कमलनाथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से चर्चा के लिए दिल्ली जा सकते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री हार्श ट्रेडिंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले को लेकर कहा है, कांग्रेस के 15 से 20 विधायक मेरे संपर्क में हैं। अगर हमारे पास कोई आता है तो हम उसे क्यों भगा दें। फ्लोर टेस्ट पर सवाल पर बोले कि सदन ही नहीं चल रहा तो फ्लोर टेस्ट की मांग हास्यास्पद है। वहीं जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि विधायकों को खरीदने के लिए 30-35 करोड़ रुपए का लालच दिया गया। हम जब होटल में गए तो नरोत्तम मिश्रा एक विधायक को तो जबरन उठा कर ले गए। इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड शिवराज सिंह हैं। इस पर शिवराज सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि मामला उनके घर का है और आरोप हम पर लगाते हैं। उनका काम केवल आरोप लगाना है, इतने गुट हैं, आपस में ही मारामारी मची हुई है। बात करें मंगलवार को हुए घटनाक्रम की तो दिग्विजय सिंह ने सुबह ट्वीट करके आरोप लगाया कि भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह विधायक रामबाई को अपने साथ चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली लेके पहुंचे थे। इसके बाद शाम को भाजपा उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह दिल्ली पहुंचे। नरोत्तम मिश्रा यहां पहले से ही थे। गुड़गांव के एक होटल में करीब 9 विधायकों को भाजपा ने रुकवाया था और भनक लगते ही मंत्री पटवारी और जयवर्धन दिल्ली रवाना हुए। तब तक दोनों होटल पहुंचे, सभी विधायक कहीं और भेज दिए गए। सिर्फ रामबाई होटल के बाहर मिले। दिग्विजय सिंह रात को होटल गए लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। मुख्यमंत्री कमलनाथ भी देर रात तक दिल्ली में मौजूद विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश करते रहे। वहीं हार्श ट्रेडिंग पर ग्वालियर में कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मुझे कोई जानकारी नहीं और ना ही मेरे सामने कोई तथ्य आए हैं। इस मामले में बसपा की विधायक रामबाई, कांग्रेस के विधायक बिसाहू लाल, हरदीप सिंह, सुरेंद्र सिंह सेरा और बसपा के विधायक संजीव कुशवाहा के साथ ही साथ कांग्रेस के एंदल सिंह कसाना भी मामले में भाजपा के संपर्क में बताए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। कर रहा है किसान, परेशान है, रो रहा है, गरीब परेशान है, बच्चे परेशान हैं, माताएं बहनें परेशान हैं, कांग्रेस के विधायक खुद परेशान हैं। अब मामला उनके घर का है, आरोप हम पे लगाते हैं, ये कौन सी बात हुई? वो कह तो रहे हैं कि विधायक जो है आप लोग लेके गए नरोत्तम मिश्रा का नाम ले रहे हैं। कल आप रात में गए पूरी आपसे तो मैं तो दिल्ली आता जाता रहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जी जी, जब दिल्ली बुलाते हैं जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी काम से जाता हूँ और अभी आगर जा रहा हूँ। सर, इस तरीके की बात चल रही है, दिग्विजय सिंह पूछ रहे हैं कि आपने कल दिल्ली में क्या किया, ये बताएं शिवराज जी। दिग्विजय सिंह को इससे क्या लेने देना, मैंने क्या किया? 10 से 15 विधायकों को ले जा रहे हैं, बंधक बना रहे हैं, उनका कहना ये है। देखिए, उनका काम केवल आरोप लगाना है। अब इतने गुट है कांग्रेस में कि आपस में मारामार मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कभी ये सोच नहीं रहा जी। हमने पहले भी कहा है, हम ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है, लेकिन अपने बोझ से अगर कुछ होता तो। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।